स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत JLNMCH के सामने जल्द बनेगा नाइट शेल्टर होम। भागलपुर में स्मार्ट सिटी की परियोजना के द्वारा जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने नाइट शेल्टर होम जल्द चालू होगा। इस नाइट शेल्टर होम में 100 बेड के साथ कैंटीन, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कैंटीन में मरीज के रात में आने वाले व्यक्ति को सरकारी मूल्य पर खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में जब नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर से बात की तो उन्होंने कहा कि इस सैनिस कंपाउंड के साथ साथ इसे भी जल्द चालू कर दिया जाएगा। इसको हम लोग सैंडीज पार्क के साथ ही साथ एजेंसी जो होगी एक ही चिन्हित कर रहे हैं, उसी को जो है आउटसोर्सिंग पे देंगे। इसका ई ऑप्शन हम लोग निकालने जा रहे हैं। एक माह के अंदर ही सारी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी संभवतः, और ये जल्दी जल्द से ही जो है मरीजों को और उनके परिजनों को इसका लाभ जो है वो मिलेगा। रहने के लिए निःशुल्क रहेगा या पेड़? नहीं, इसमें रेट रहेगा। जो बेड का रेट है वो अलग है, डॉर्मेटरी है उसमें और रूम है, दोनों का रेट अलग अलग दिया गया है 100 रुपीज़ के आसपास। और जो खाना है उसके लिए मिनिमम थाली या भोजन जो दोपहर का और रात का रहेगा उसका रेट फिक्स किया गया है। जैसे 30 रुपये में नाश्ता है तो 60 और 60 रुपये का दोपहर और रात का खाना है। इसके अलावा अगर कैंटीन में कोई और अपना कुछ बेचता है तो वो MRP पे होगा, लेकिन जो गरीबों के लिए कुछ रेट जो फिक्स है वो मिनिमम उस पर खाना उपलब्ध होगा और मिनिमम जो रेट है उस पर कमरा जो है वो रहने के लिए मिलेगा।